कोडरमा में झुमरी तिलैया के महाराणा प्रताप चौक बाईपास में भारतीय जनता पार्टी कोडरमा जिला अध्यक्ष नीतीश चंद्रवंशी की अध्यक्षता में डीवीसी प्रबंधन के द्वारा ऐस की ढुलाई नियम सम्मत नहीं किए जाने से हो रहे प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ढुलाई नियम संगत करना होगा करना होगा करना होगा ऐस की ढुलाई नियम संगत करना होगा करना होगा करना होगा। आज का धरना किस लिए आप लोग कर रहे हैं? ये धरना का कार्यक्रम नहीं है जी। आप लोग जो आज एकत्रित हुए हैं सामूहिक रूप में, वो किस लिए एकत्रित हुए हैं? आपको मैं बताता हूँ, अभी विगत 4 से 5 दिन पहले 6 तारीख को ही अपने क्षेत्र के सांसद, लोकप्रिय सांसद, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने प्रशासन को यह सचेत कराया कि जनता के साथ खिलवाड़, जनता के जान के साथ खिलवाड़ हमें बर्दाश्त नहीं है। फ्लाई एस की ढुलाई अवैध तरीके से हो रही है, नियम संगत तरीके से नहीं हो रही है। इस नियम संगत अवैध ढुलाई और फ्लाई एस की जो ढुलाई हो रही है उससे जनता को बहुत भारी परेशानी है। साधारण बाइक पर चलने वाला व्यक्ति, आप अब उनके आँख खराब होने की संभावना है और वो खराब होते जा रही है। दूसरी तरफ जनता को लगता है जैसे आंधियों के गुब्बार मिलते हैं। इसके विरोध में माननीय सांसद ने एक बहुत बड़ा संकेत देने का प्रयास किया जिला प्रशासन को कि भाई इसकी ढुलाई नहीं होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे लोकप्रिय विधायक भी ने भी किया, परंतु उसके बावजूद भी 2-4 दिन तक उसको ढुलाई को बंद किया जाता है और 2-4 दिनों के बाद ही पुनः उसको शुरू कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी कोडरमा जिला सह हमारे नेतागण यह मांग करते हैं कि इसकी ढुलाई नियम संगत हो, जनता के जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसके तरीके से इसकी ढुलाई होगी, रात में हो, धूल नहीं उड़ता हो, बंद गाड़ी में जाए, लिक्विड के साथ जाए और वो जब गिरता है तो उसको सफाई का भी ध्यान रखना हो, ऐसी परिस्थिति खड़ा हो इस प्रशासन को। मैं विकास के विरोध में नहीं हूँ, संगठन विकास के विरोध में नहीं है। अवैध ढुलाई जो डीबीसी प्रबंधन के द्वारा से जो फ्लाई एस की जो ढुलाई कराई जा रही है उसके विरोध में संगठन नहीं है, परंतु ढुलाई ठीक ढंग से हो इसकी तैयारी की जानी चाहिए। और जब तक लोकल बॉडी के माध्यम से, एक बड़ी डेलीगेट के माध्यम से माननीय अन्नपूर्णा देवी जी के उपस्थिति में, माननीय विधायक की उपस्थिति में जब तक हमारा इस मांग को नहीं मांगा जाएगा तब तक हम इस अवैध ढुलाई को बंद करेंगे। कार्यकर्ता, कोडरमा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ना सिर्फ कार्यकर्ता, झुमरी तिलैया की जनता रोड पर आएगी और ऐसे किसी भी वाहन को जो अवैध ढुलाई करता पाया जाएगा उसको हम रोकने का काम करेंगे। इस संकेत मात्र से ऐसे ढुलाई करने वाले व्यक्ति को हम सचेत करना चाहते हैं कि आप सजग हो जाइए, नहीं तो हम जनता रोड पर आकर के आपके वाहन को रोकेंगे और तब तक इसको ढुलाई आगे नहीं होने देंगे जब तक कि इसका ठोस निराकरण नहीं होगा। संवाददाता रवि छाबड़ा।